हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टूर यूट्यूब चैनल स्टडी हब आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट करेंगे रिलेटेड टू साइंस जैसा कि सुपरवाइजर का एग्ज़ाम ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून को कंडक्ट कराया जाएगा तो हम उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं ये मॉक टेस्ट सभी जेके एस एस बी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जेके एस एस पी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग रहेगा सो so, हमने पहले भी मॉक टेस्ट जो है अपलोड कर रखे हैं रीजनिंग कंपोनेंट मैथ कंपोनेंट साइंस कम्प्यूटर्स जी के कॉम्पोनेंट इन सब के मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं आप ज़रूर से विजिट कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्राइव्स अ विंड टर्बाइन अ डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो ये कहाँ से आया है तो ये क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से है, है ना टॉपिक है ना आपको ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ड्राइव कर दी जाती है विंड टर्बाइन से बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कैनाटिक एनर्जी हाइड्रोथर्मल एनर्जी तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कानैटिक एनर्जी ठीक है नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ न्यूटन मीटर डेसिबल डॉपसन वाइज बताइए यूनिट बताने हैं आपको जिसमें हम ओजोन लेयर को मेजर करते हैं तो से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन सी टॉपन यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज़ कॉज बाई बैक्टीरियम यरसिनिया पेस्टिस येस्टिस एक बैक्टीरिया है ये कौन सी डिसीज कॉज करता है चिकन पॉक्स क्लेग रूबेला माम्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लेग इज द करेक्ट वन ठीक है अच्छा मुझे आप ना इसका वैक्टर लिख के बताइए वेक्टर बताइए जिससे ये फैलता है बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर से प्रेसिपिटेटर से कैटेटिक कन्वर्टर से या फिर वेट स्क्रबर से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन ए साइक्लोन सेपरेटर से हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को नेक्स्ट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी आकर्स इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है बताइए विटामिन सी विटामिन डी बी या फिर ए बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी विटामिन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है प्लांट्स ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ़ द वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर प्लांट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर बताइए कहाँ से ऑब्जॉर्ब करते हैं एम्ब्रियोनिक जोन से जोन ऑफ इलॉन्गेशन रूट हेयर्स या फिर ग्रोइंग पॉइंट बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा रूट हेयर्स बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा था कि रूट हेयर से अब्जॉर्ब करता है वाटर और ये वन वन डायरेक्शन मूव करता है ठीक है ओनली अपवर्ड मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन रूट प्रेशर थ्योरी लगती है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी थी डिटेल में कवर किया था हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं हमारे सारे लेक्चर्स आप जरूर से विजिट कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है नाइट्रोजन है मीथेन है ऑक्सीजन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ा था बताइए सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो ग्रीन हाउसेस ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता है दैट इज़ अ वाटर वेपर है ना वाटर वेपर पढ़ा था और भी काफ़ी सारे ग्रीन हाउस गैसेस थी तो इनमें से बताइए क्या ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ऑप्शन बी मिथेन इज द करेक्ट ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज अड इन विंड मिल टू टर्न टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बताइए कौन सी मोशन रहती है विंड मिल में टर्बाइन को रन करने के लिए रोटेटरी लीनियर मोशन वर्टिकल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑब्वियसली रोटेटरी मोशन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासिस एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बताइए है न आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट वाला चैप्टर तो बताइए इसका कब आया था ये एक्ट इस क्या ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी नाइनटीन एटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबायोटिक एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए अबॉयोटिक कौन से होते हैं नॉन लिविंग राइट नॉन लिविंग होते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा वाटर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है वॉट आर लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स हम किसे कहते हैं हमने किस पे ये पढ़ा था रेस्परेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था तो बताइए लेंटी सेल्स क्या होते हैं एपिडर्मल स्ट्रक्चर होते हैं अ वैक्स लेयर ऑफ लीव्स ओपनिंग इन द वॉक या फिर चैनल टू ट्रांसफर वाटर बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा लेंटी सेल्स क्या होते हैं बताइए ओपनिंग इन द बा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो so, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं आई होप कि आपका यहाँ तक अच्छा स्कूल रहा होगा एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आएंगे रिमेनिंग जो भी लेक्चर्स रहते हैं हम वो लेके आएंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कीप डूइंग कीप वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बैटे केयर